ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही मतलब प्रसन्नता की बात है। बड़ा ही पावन महीना भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाला कार्तिक महीना। विशेषता भगवान कृष्ण को अति प्रिय है और भक्त वात्सल्य से परिपूर्ण है। इस मास में कोई छोटा सा छोटा व्रत भी कई हजार गुना अधिक परिणाम देता है, कई हजार गुना अधिक फल देता है। और कार्तिक महीना जो है विशेषकर भगवान श्री राधा दामोदर को, भगवान श्री दामोदर को दिया दिखाने का मन, क्या है भगवान श्री दामोदर को दिया दिखाने का महीना है। और सिर्फ कोई मात्र भगवान को दिया ही दिखाता है इस मंत्र में ना, मात्र भगवान को दिया दिखाता है तो वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ केवल दिया दिखा करके, दीप अर्पित करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। यह एक उत्सव है किस चीज का, भगवान को दिया दिखाने का। और माता यशोदा द्वारा रस्सियों में बांधे गए भगवान कृष्ण दामोदर का गुणगान करने का, इसे दामोदर मास भी कहते हैं। क्यों इसे दामोदर मास कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी के पति, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक, अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण को इस माह में देवी यशोदा ने अपने प्रेम से कहां बांध दिया, एक उखल में बांध दिया, प्रेम से बांध दिया, किसमें, एक उखल में बांध दिया। इसलिए अद्भुत मास है ये, अद्भुत मास क्या। और भगवान की अधिकतर लीला, मैक्सिमम लीला इसी मास में किया गया है। भगवान ने जितनी सारी लीलाओं को किया, इन सारी लीलाओं को करने के लिए भगवान मोस्टली कार्तिक मास में चुना। कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी, अतः ये मास और भी अधिक भगवान का क्यों प्रिय है, क्योंकि अधिष्ठात्री देवी इसकी कौन है, श्रीमती राधा रानी है ना, श्रीमती राधा रानी इसकी अधिष्ठात्री देवी है। इसलिए भगवान को ये मास बहुत ही अधिक प्रिय है और बहुत सारे कारण इस मास को प्रिय होने, बहुत ही परम पवित्र मास आने वाला है। कहते हैं इस मास में जो कोई भगवान को दिया अर्पित करता है और दामोदर अष्टकम का पाठ करता है, भगवान उसे प्राप्त होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। सिर्फ भगवान को कोई दिया अर्पित करता है और दामोदर अष्टकम का पाठ करता है तो वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है और अथाशीघ्र प्राप्त करता है। तो ऐसे परम पवित्र मास बहुत ही जल्द से। अब बोलेंगे प्रभु इसका कोई लाइव एग्जांपल जो भगवान को प्राप्त किए हो इस मास में, सिर्फ दामोदर अष्टकम का गान करके और भगवान श्री राधा दामोदर को दिया अर्पित करके, कोई ऐसा व्यक्ति, स्वयं देवी सत्यभामा को ये बात भगवान कहते हैं। किसको कहते हैं, स्वयं देवी सत्यभामा को भगवान ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं, हे एक बार सत्यभामा भगवान की चरण सेवा कर रही, चरण सेवा करते करते भगवान से पूछती है कि प्रभु मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था, ऐसा क्या किया था कि मुझे इस जन्म में आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं सत्यभामा तुमने पूर्व जन्म में प्रत्येक दिन मुझे दामोदर अष्टकम का पाठ करते हुए दिया अर्पण किया था, दिया दिखाया, तो इस वजह से आज तुम्हें मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य। बड़ी अद्भुत, बहुत आपसे एक बार रेडी हो जाइए, हम लोग डेली दामोदर अष्टकम का पाठ करेंगे, भगवान को दिया अर्पित। ओके,
हरे कृष्णा।